हेलो ट्रेस इन्वेस्टर, आप सभी का स्वागत है वीक में सेटिंग में। ट्रेस हम लोग जिस शेयर के ऊपर बात करने वाले हैं HFCL लिमिटेड है। इतनी भारी गिरावट आने का क्या कारण रहा है, उन सभी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। क्योंकि चार्ट के वजह से है या कोई बहुत बुरी न्यूज आ चुकी है शेयर के लिए, क्यों इतनी बड़ी गिरावट आई है, उन सभी चीजों को हम लोग इस शेयर के रिलेटेड समझेंगे। क्योंकि ऑलरेडी अभी हमने हाल फिलहाल 2-3 दिन पहले इसके क्वार्टर के नंबर डिस्कस किए थे। नंबर तो इतने काफी अच्छे हैं, इंडिया की वन ऑफ लीडिंग कंपनी है ऑप्टिकल फाइबर केबल में, फिर कैसे इतनी गिरावट देखी गई है, उन सभी को हम लोग जानेंगे। और आपको ये वीडियो, अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इससे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सीखने को मिलने वाला है। जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिए, जो पहले से ज्वाइन करके रखे हैं बहुत उनका शुक्रिया, और जो नए ज्वाइन कर लेंगे उनको बहुत जल्द और बेनिफिट मिल पाएंगे। क्योंकि वहां पे भी मैं जैसे ही जैसे ही मुझे टाइम मिलना शुरू हो जाएगा तो मैं वहां पे आपको लाइव आपके जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, और मैं कोई ऐसा पैसे वैसे वाला काम नहीं है, आप पूछेंगे मैं उसके आंसर दूंगा। चलिए अभी हम लोग जिस शेयर के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं उसी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसमें काफी भारी गिरावट रही है। देखिए आज का जो HFCL है उसमें काफी भारी गिरावट, आपको लगभग 10% का डाउनफॉल देखने को मिला है। ऐसा क्यों हुआ? शेयर के नंबर अच्छे आए हैं, ठीक है, उसके बाद थोड़ा बहुत डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियली अच्छी है। न्यूज कोई बुरी आई है तो न्यूज मैंने चेक किया, इसके ऊपर कोई ऐसी बेकार खबर आज नहीं थी। मैं आपके सामने एक बार वापस से चेक करके बता देता हूँ HFCL। देखिए HFCL का कोई ऐसा न्यूज हो, कुछ ऐसा कोई न्यूज नहीं है, सारे वही पुराने हैं, रुचि सोया जैसा हो सकता है। मतलब कैसी कंडीशन है अभी हम लोग इसी के ऊपर बात करते हैं। ऑलरेडी बहुत तगड़ा प्रॉफिट दे चुकी है कंपनी। देखिए मैं आपको बताऊं, 26 से 49 तक गया, उसके बाद इसमें करेक्शन आई है। पर अभी देखिए अभी क्या चीज रही है, क्यों डाउनफॉल दिखा है, उसको हम लोग चार्ट देख के समझते हैं। फाइनेंशियली मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं, तो आप पुरानी वाली वीडियो को ही चेकआउट करिए, क्योंकि इसमें भी काफी टाइम हम लोगों का यूज हो जाता है और बार बार वही रिपीट चीज करनी पड़ती है। देखिए 8 रुपीज से 50 तक गई अराउंड, और अभी ये डाउनफॉल लगा है। मैं बुक वैल्यू को आपको पहले ही बता दिया था, सारी चीजें यहाँ की एक्सप्लेन कर रखा है। प्रॉफिट भी देखिए ठीक हुआ था, सेल भी अच्छी है, ग्रोथ भी अच्छी है, ऑल टाइम हाई भी 62 रुपीज तक है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी ठीक है। ROE की बात करें तो 13.5 नॉट बैड, अच्छा नंबर आ जाता है। तो बाकी और सारी चीजें हम आपको अगर और अच्छे से जानना है तो आप पुरानी वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। हम लोग बस डायरेक्ट इस पे चार्ट पे बात करेंगे, क्योंकि वही चीज जो इम्पोर्टेंट है वही समझाने के लिए मेन वीडियो मेरी थी। तो देखिए क्या चीज है, इससे आज आपको बहुत अच्छी सीख मिलने वाली ड्रेस। ये देखिए आपको मैं ये चीज सिखाता हूँ, जब भी ऐसे शेयर में आप, क्योंकि बहुत से शेयर होते हैं ऐसी मूवमेंट कर चुके हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत को देख रखा है। सुबेक्स लिमिटेड में भी यही हुआ था, ठीक है, उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। उस टाइम पे वो शेयर 24 के अराउंड था और मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा था। और अब देखिए अभी आप सुबेक्स का प्राइस चेक करेंगे, अराउंड 57-58 अराउंड ट्रेड कर रहा है, ठीक है, तो आप देख लीजिए। और सेम चीज इसमें भी वही चीज है, करेक्शन वाला फेस आया है। कैसे, ये देखिए आपको शेयर अराउंड, मैं 26 बता रहा था, 26 वाले से स्टार्ट कर लेते हैं, 26 से लेके शेयर ट्रेड गया है। ये देखिए यहां तक शेयर गया है, ठीक है, मतलब 50 तक गया है, और अब ये फेस आया है करेक्शन वाला। अब देखिए इतनी बड़ी जो प्रॉफिट बुकिंग आई है, ये आज जो प्रॉफिट बुकिंग आई है, ये यही मेन चीज है इसके डाउनफॉल का। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आपने अगर 50 अराउंड बाई कर रखा है, ठीक है, और 48 अराउंड बाई कर रखा है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, नंबर अच्छे हैं, ये सिर्फ करेक्शन वाला फेस है। इसीलिए मैंने जब आपको क्वार्टर फोर के नंबर बताए थे तो मैंने आपको बताया था कि आपको किस लेवल पे बाई करना है, मैंने आपको बिल्कुल बोला था कि आपको बिल्कुल रिस्क वाला काम नहीं करना है, बिल्कुल एक सही जगह पे ही बाई करना है, तो वो जो सपोर्ट लेवल के है। तो अभी देखिए ये करेक्शन शुरू हो चुकी है, तो शेयर का जो करेक्शन है अब वो हो सकता है कि यहाँ पे आके आके रुक सके, ठीक है, 36 के अराउंड रुक सकता है, ठीक है। पर आपने जब अब 48 पे बहुत लोग बाई कर रखे हैं तो वो क्या करें, जो फंसे हुए हैं वो या तो एवरेज कर लें, क्योंकि ये शेयर की परफॉर्मेंस अच्छी है, हमने फाइनेंशियल और डिस्कस किया, इसके अर्निंग के रिजल्ट अच्छे आए थे, ये कर सकते हैं। और बाकी लोगों को मैंने पहले ही देखिए सचेत कर दिया था इसीलिए, ताकि आप लोग फंसे ना, क्योंकि ये पैन स्टॉक में आता है, भले ही परफॉर्मेंस वाइज अच्छा है पर इन शेयरों में ऐसी प्रॉब्लमें आती हैं। अब जब कोई भी शेयर है आपको इतनी बड़ी रैली दिखाएगा, जाहिर सी बात है उसमें थोड़ा डाउनफॉल
डाउनफॉल आके करेक्शन होना ही है शेयर में। तो आपको इस चीज से बिल्कुल घबराना नहीं है, मैं यही चीज क्लियर करना चाह रहा था, क्योंकि देखिए पैनी स्टॉक है तो इन चीजों में जो बिगनर्स हैं उनको ये चीज समझ में नहीं आती कि इतना अच्छा शेयर चल रहा था अभी अचानक से ऊपर आके ऐसा कैसे हो गया कि ये डाउन आ गया। तो देखिए इतने से ही आपको एक चीज मैं बताऊं, इतने से ही टाइम पीरियड में, इसको रुकिए मैं थोड़ा और लॉन्ग कर दूं, ये देखिए यहां से कोई ये जो 23 अप्रैल से जो इतना अपवर्ड मूवमेंट गई है, इसको काफी लोग हैं जो इसको बोलते हैं कि सर इसका ट्रेंड पॉजिटिव दिख रहा था, मतलब 24 से लेके आप लोगों ने इस शेयर को 24 में मतलब ऑलमोस्ट वन मंथ तक आपने इसको मॉनिटर किया और बोल दिया इसका ट्रेंड पॉजिटिव दिख रहा था। तो देखिए ट्रेंड पॉजिटिव है, नंबर अच्छे हैं, आगे शेयर जाएगा, पर आपको ये जो चीज मैं बोल रहा हूँ आपको कभी वन मंथ से आप इसका ट्रेंड नहीं पता सकते कि एक मंथ में ट्रेंड इसका पॉजिटिव था, ठीक है अब इसके बाद कुछ भी ट्रेंड हो सकता है। अब देखिए इतनी बड़ी आज ये जो बेयरिश कैंडल बनी है, अब ये कहाँ पे लाके रोक सकती है, वो अराउंड अभी 36 के रुपीस तक दिख रहा है, ठीक है अराउंड अभी दिख रहा है। होपफुली अगर ये अच्छा हो कि फोर्थ जो है फोर्थ वाले को रिस्पेक्ट करे तो यहाँ पे भी रुक जाए तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि जिस हिसाब से नंबर आए हैं कंपनी के काफी अच्छे हैं और हम लोग लॉन्ग टारगेट ऑलरेडी 60 का लेके चल रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आपने बाय कर रखा है, डाउनफॉल आएगा तब भी आपके हम लोग आपके साथ हैं सपोर्ट के लिए, और क्योंकि रिकवर करके कंपनी ऊपर जानी ही है, इतनी अच्छी फील्ड से बिलोंग करती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल सप्लाई करती है, अच्छा चल रहा है, इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग बिजनेस संभाल रही है अभी ऑप्टिकल फाइबर केबल में, ऐसा कंपनी का नहीं ऐसा रिसर्चर्स का कहना है, क्योंकि उन्होंने काफी सारी कंपनियों का एक साथ डाटा बता रखा है, तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है अब चलिए यहाँ तक डिस्कस कर लिए हैं, तो अब वो बता देता हूँ मैं आपको कि अगर फ्रेश एंट्री अभी जो एकदम पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो कहाँ पे लें, तो वही चीज है, देखिए करेक्शन आएगी आपको जो सेकेंड रेजिस्टेंस लेवल है 32 से लेके आप इसके डाउनफॉल पे ही ले, क्योंकि जितना ज्यादा 1-2 के आप पास लेंगे उतना बेहतरीन है, मतलब 30 से लेके आप इसको 33 तक 34 तक जा सकते हैं, इस बीच में आप बाई करिए करेक्शन होके मिलेगा। बाकी जो ट्रेडिंग पर्पज से हाई पे बाई करके फंसे हुए हैं उनको बिल्कुल घबराने जरूरत नहीं है, वापस से रिकवर करके जाएगा, आपने डिलीवरी पे लिया है तो लॉस पे निकलने की जरूरत नहीं है, ये चीज हमेशा नोट करके रख लीजिए, अगर आपने डिलीवरी पे बाई किया है हाई प्राइस पे बाई किया है तो उसकी पनिशमेंट सही है, आप उसको सेल नहीं करना है, उसको रखना है ताकि आप जब उसमें प्रॉफिट में आ जाए तभी सेल करें। ओवरऑल यही था अपडेट, अपना पेशेंस बनाए रखिए।